ठीक उद्धव जी, जी आज हम सर। लोग समाजवाद पढ़ते हैं। सोशलिज्म जो है, समाजवाद एक ऐसा शब्द है कि इससे तो हमें लगता है कि सभी परिचित हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो समाजवाद से परिचित ना हो। हमारे यहाँ तो समाजवादी पार्टी ही है जो है। समाजवाद के बारे में एक जो सामान्य विचारधारा तो यही रहती है कि जो भी समाज के लिए थोड़ा बहुत भी कार्य करता है अपने आप को समाजवादी करने लगता है। जो भी जी गरीबों को उत्थान के थोड़ा काम कर दिया और एक समाजवादी अपने आप को मान लिया, है कि नहीं? जी अन्ना सर। हजारे ने तो लोकपाल के लिए एक आंदोलन खड़ा, समाजवादियों को लेकर आंदोलन खड़ा किया था। उस समाजवादी से फर्क ये पड़ गया जो है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए आंदोलन से ही। सही तो अब बात। तो समाजवादी का सामान्य है कि समाजवादी की व्याख्या लोग अपने लाभ के लिए समाजवाद फायदा करते हैं। और एक रोचक चीज ये है कि समाजवाद का कंसेप्ट ना गाँव में नहीं जितना शहरों में लोग आकर्षित होते हैं। रीजन क्या, गांव या किसी गरीब के लिए कोई कार्य करे तो कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन शहरों में आप जो सिटी, बड़ी बड़ी सिटियां, यहाँ थोड़ा काम कर दिया सब ध्यान दे रहे, वो समाजवादी कार्य कर, गरीबों को सहारा दिया, कोई काम किया, कंबल भी लोग बांट देते हैं तो कहते मैं समाजवादी हो गया। मिला जुला किससे, एक चीज समझ आ गई कि यानी इसके केंद्रबिंदु में गरीबी है। जी गरीबों की मदद कर दिया जाए और अपने को समाजवादी जो है प्रूफ कर दिया जाए, सामान्य से विचारधारा में यही है। जी लेकिन समाजवाद है क्या, एक एक आंदोलन था, श्रमिक आंदोलन था, कि जब औद्योगिकरण हुआ था जो है, यूरोप में क्रांतियां हुई तो बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित की गई। जब उद्योग चले तो जिसके पास धन थी, पूंजी थी, वह पूंजी से उसकी शक्ति जो है बढ़ती चली गई जो है, ठीक है, कि धन का केंद्रीकरण होने लगा। जब धन का केंद्रीकरण होने लगा तो ये हुआ कि सत्ता की, गरीबी जो है खाई बढ़ती गई। जिसके पास पैसा हो गया भाई वो ज्यादा पैसा होता चला गया, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब होता चला गया। तो सामान्य दिखने में ये आ रहा था कि एक व्यक्ति जो दिन भर मेहनत करता है उसके पास ये है कि शाम को कैसे पेट पाला जाए, इसकी कोई व्यवस्था, कोई आधार दिखाई नहीं पड़ता। वहीं जिसके लिए मेहनत करता था वह पूरा अय्याशी से रहता था, सारी सुख सुविधाओं संपन्न रहता था जो है, ठीक है ना। तो ये विचारधारा कि ये क्या हो रहा है, कि इसका मतलब लोगों से कंसेप्ट गया कि यानी जो काम कर रहा है उससे फल नहीं, पैसा नहीं मिल रहा है, उससे लाभ प्राप्ति नहीं हो रही। लाभ किसको प्राप्ति हो रही है, जिसके लिए वह काम कर रहा है, जो पूंजीपति है, ठीक है ना। तब ये हुआ, तब ये आंदोलन का रूप पकड़ा कि ऐसी क्या व्यवस्था किया जाए, कैसे संभव है कि जो बेचारे काम कर रहे हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो काम कर, जिनको ये दिन भर खटके रहे हैं, उनको अपने पेट पालने के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, अपने रहन सहन का स्तर को कैसे सुधारा जाए, ठीक है ना। तो समाजवाद आंदोलन यही आंदोलन था, श्रमिक आंदोलन था एक प्रकार से, कि श्रमिक आंदोलन सामाजिक कर करता है हुए कुछ श्रमिकों का, उनको लाभ कैसे प्राप्त कराया जाए, उनकी रहन सहन की स्थिति को, सामाजिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए जो है। यही तो आज की डेट में मुख्य यही रहता है ना, गरीबों को उद्धार कैसे किया जाए। इसके लिए तमाम आदमी व्यवस्था करता है, तमाम योजनाएं, देखो सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ये योजना दे दीजिए, पेंशन दे दीजिए, अनाज बांट दीजिए, मतलब की योजना है कि गरीबों का कैसे कल्याण हो सकता है, भूखे की स्थिति न रह जाए, ठीक है ना। तो समाजवादियों को लगा कि सारी समस्या के एक कारण ये लगता है कि जो पूंजी एक जगह केंद्रित है, यह केंद्रित, सारी पूंजी केंद्रित है, सारी समस्या का जड़ यही है। अगर पूंजी जगह स्थिर न होती है, पूंजी सभी को प्राप्त होती है कार्य के अनुसार जो है, तो यह जो विभेदीकरण है, जो खाई है ऊंच और नीच का जो है, गरीब और ऊंच का जो है, यह खाई समाप्त हो सके जो है, ठीक है ना। तो जी समाजवाद का उदय भी एक आंदोलन के रूप में हुआ, एक राजनीतिक था, एक सामाजिक आंदोलन था, कि गरीबों को उनका अधिकार कैसे प्राप्त हो, श्रमिकों को कैसे उनका अधिकार प्राप्त हो, श्रमिकों की स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी विचारधारा में दो विचार, एक तो आया था विज्ञानवादी समाजवाद था, साइंटिफिक समाजवाद, जिसके जनक मार्क्सवाद थे। मार्क्सवाद विचारधारा क्या थी, कि इस संपत्ति को जो है सभी में समान रूप से वितरण कर दिया जाए, जो संपत्ति है कहीं एज या केंद्रीकृत न रह के इनको समाज के हर वर्ग को प्राप्त करा दिया जाए, उच्च वर्ग से लेकर। अब इसके लिए क्या उनका तरीका क्या था, उनका तरीका तो यही था ना कि इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं, वो खुद तो देंगे नहीं, हमें क्या क्रांति कर देना चाहिए, वर्ग संघर्ष कर देना चाहिए, जी हमें उच्च आय वर्ग वालों के खिलाफ क्रांति करना चाहिए, और जो पैसा इकट्ठा है उसको गरीबों को कल्याण के लिए समाज व्यवस्था में दे देना चाहिए, और किसी के पास पैसा इकट्ठा नहीं होने दिया जाए तो समाजवाद आ जाए। उनका एक विचारधारा, उनकी जैसे वैज्ञानिक समाजवाद, विज्ञान उनकी विचारधारा,
दूसरी पर्टिकुलर चल रही थी गैर मार्क्सवादी, ये क्या था विकासवादी था। इसका उद्देश्य क्या था, क्रांति नहीं चाहता था कि क्रांति न हो जाए, ठीक ना, उनका तो कारण थी कि क्रांति से लाना चाहिए, ये बेचारे क्रांति नहीं चाहते थे, ये चाहते थे समाजवाद लाया जाए लेकिन ये किसमें लोकतांत्रिक ढंग से लाया जाए। विकासवादी है कि सबको मिले लेकिन क्रांति ना हो, क्या तरीका अपनाया जाए कि सबको समाज प्राप्त हो जाए। तो समाजवाद की जो सबसे मूल थीम की चलती थी कि उत्पादन और वितरण पे किसी व्यक्ति का अधिकार न होके उत्पादन और वितरण पे किसका अधिकार होना चाहिए, राज्य का अधिकार होना चाहिए। राज्य का अधिकार इसलिए होगा, राज्य का अधिकार होगा तो पूंजी जो केंद्रीकरण हो रहा है, जो पूंजी जो स्थिर हो रही है, यह पूंजी की स्थिरता जो है समाप्त हो जाएगी, केंद्रीकरण समाप्त हो जाएगी। पूंजी अगर स्थिर नहीं होगी तो जो विभेदीकरण चलता है वह विभेदीकरण समाप्त हो जाएगा, ऊंच नीच जो खाई चलती है यह समाप्त हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसी को सर सोशलिज्म और कम्युनिज्म, यही दो शब्द इन्हीं दो के लिए यूज किए जाते हैं। नहीं, सोशलिज्म तो ये है, समाजवाद कम्युनिज्म दूसरा चीज है, तो दूसरी चीज है वो। अच्छा अच्छा ठीक है जी। सोशलिज्म अंतर हम आपको समझा देंगे बाद में जो है, ठीक है। ये समाजवाद तो देखो, समाजवाद में किसी जात पात का विरोध नहीं आता, जात पात का अंतर नहीं है, यहाँ सिर्फ एक उद्देश्य है, न जात का मतलब समाजवाद में है न धर्म से मतलब है, यहाँ सिर्फ है कि समानता, समानता कैसे लाई जाए, आर्थिक सामाजिक, मुख्य तो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक भी कह दीजिए, मुख्य तो आर्थिक और सामाजिक समानता कैसे प्राप्त किया जाए भाई, किसी का विकास, इनके मूल थीम क्या है, विकास तब तक नहीं सोचता जब तक उसे भौतिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाए। किसी अगर किसी का विकास, उसके आत्म विकास तभी हो सकता है जब हमारे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमें भौतिक संसाधनों के लिए उलझन नहीं, मतलब उनके लिए संघर्ष नहीं करना है, कि हम कैसे इकट्ठा करें, हमें शाम का खाना कैसे मिले, इसकी चिंता नहीं रहेगी, तभी हमारा स्वतंत्र पूर्वक विकास हो सकता है, ठीक है। जब एक व्यक्तिवाद विकास चलता था, व्यक्तिवाद विकास में यह था कि व्यक्ति स्वतंत्र था, वो अपना आधी से अधिक विकास कैसे करे, उसका विचारधारा ही थी, वह स्वतंत्र है, उसका लक्ष्य था कि अपनी आधी से अधिक विकास कैसे करते, स्वलाभ मतलब स्वार्थपूर्ण लाभ विकास करिए। ये क्या है, समाजवाद क्या करता है, व्यक्तिवाद के विरोधी इस मामले में है, ये समाज के विकास की बात करता है कि समाज का अधिक से अधिक विकास, का समाज का विकास होगा तो व्यक्ति का भी विकास होगा जो है, समाज में सभी का विकास होगा जो है, ठीक है ना। तो इनका कहने का कंसेप्ट यही था कि समाजवाद का मूल थीम जो था, देखिए परिभाषा तो इजिट इसकी कोई नहीं दे सकता है, रीजन है हर व्यक्ति अपने अनुसार इसकी व्याख्या करता है, अपनी परिभाषा देता है। समाजवाद भी जो भी एक थ्योरी जिसकी आती है वह एक अलग विचारधारा में चलाता है कि मेरा समाजवाद यह है, तमाम समाजवाद, फेबियन समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, जर्मन समाजवाद, न जाने कितने समाजवाद चल रहे, ठीक है ना जी, श्रेणी समाजवाद, लेकिन अपने यहाँ क्या था, अपने यहाँ तो लोकतांत्रिक समाजवाद है, सब कुछ लोकतांत्रिक समाजवाद के अनुसार कार्य हो रहा था। तो जैसे एक राइटर है, दार्शनिक है, क्या नाम उनका है, जोड, उन्होंने कहा कि समाजवाद प्रत्येक प्रवक्ता के हाथों में भिन्न भिन्न सिद्धांत युक्त होता है और इसकी व्याख्या हर व्यक्ति इतनी अधिक व्याख्या अलग करते हैं, पूर्ण मात्रा में साधन उपलब्ध, जिसको जो चाहता है उसी अनुसार उसकी व्याख्या कर देता है। जिन्होंने कहा एक ऐसी टोपी यह है कि जिसका आकार बदल गया है, क्योंकि वो सब उसी टोपी को सब अपने सर में बांध लेते हैं, तो उसका एक निश्चित कोई आकार नहीं रह गया टोपी का, जो आया वो उस टोपी को अपने ऊपर रख लिया, समाजवादी हो गया टोपी जी, जी। तो इसकी परिभाषा नहीं थी, उसने एक एग्जाम्पल दिया ना कि टोपी है, कोई टोपी है भाई, छोटा सरा है उस पर फिट हो गया, बड़ा सरा है उस पर फिट हो गया, वो सरा है उस पर फिट हो गया, मतलब उसकी आकृति अपने आप में बिडोल हो गई है, ठीक है ना। वैसे कहता है एक ऐसा नाक है जिसके अनेक फन है, जो है एक फन को कुचलो तो दूसरा फन तैयार, दूसरा फन कुचलो तीसरा फन, तुम समाजवादी विचारधारा के इतने अधिक अधिक स्रोत हैं, हर व्यक्ति अपने अनुसार समाजवाद की व्याख्या कर देता है कि ये समाजवाद है। मैंने कहा ना कि यहाँ जो भी गरीबों की थोड़ी मदद करता है वो अपने आप को समाजवादी करने लगता है, कंबल आत्म वितरण कर दिया तो भी अपने आप को समाजवादी कर देता है, ठीक है। किसी को दवाएं बांट दिया, अपने आप को समाजवादी कर दिया, जो है कि थोड़ा भी लाभ पहुंचा दिया, अपने आप को समाजवादी। समाजवादी इजेक्ट क्या है, इससे कोई मतलब आज डेट में नहीं रह गया। मैंने कहा थोड़े थोड़े अपने लाभ के लिए लोग समाजवादी बनते हैं और समाज में उसका लाभ लेते हैं, लाभ लेके चल देते हैं, ठीक है ना। और समाजवाद के जो अपने आदर्श समाजवादी, जो विकासवादी समाजवाद है, ये क्या, मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानता है, तो सामाजिक प्राणी के क्या है कि आदर्श क्या होता, समानता। समाज की सबसे मूलभूत आवश्यकता क्या, समानता। समानता, ये समानता सामाजिक है, न्याय की समानता चाहिए, ठीक है, कि हमें समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, जो व्यक्ति जिस योग्य है उसे वह योग्यता के अनुसार
उसे हर व्यक्ति को कार्य मिलना चाहिए। ठीक है, ये समानता जो है, ये समानता सिद्धांत है। ये नहीं कहता किसी को आप बैठा के लेके, तो नहीं, जो जिस योग्य है उसके अनुरूप उसे कार्य मिलना चाहिए, और कार्य मिलना चाहिए तो उसके उसको फल भी प्राप्त होना चाहिए। ठीक है ना, यह वर्ग भेद की बात नहीं करता। ठीक है, वर्ग भेद नहीं, ये सबको समानता। इसीलिए कहते हैं जितने परिभाषा इनमें दी गई है अलग अलग ढंग से, अलग एक फिट समय एक सामान्य परिभाषा अगर दी जाए, जिसकी सामान्य परिभाषा समाजवाद केवल एक राजनीतिक विचारधारा मात्र नहीं है, यह एक आदर्श, एक धर्म, एक विचार, एक सिद्धांत, एक नीति, एक विश्वास, एक जीवन प्रणाली आज सब कुछ है। इसके साथ साथ एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा नैतिक व्यवस्था भी है, जिसकी स्थापना के लिए समाजवाद को एक कार्यक्रम था, एक आंदोलन के रूप में चलाया जाता है। मतलब समाज की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नैतिक व्यवस्था, एक जीवन जीने की प्रणाली, सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है समाज के वाद के अंदर, क्योंकि सब अनाश्रित है ना। व्यक्ति पास अर्थ रहेगा तभी उसके जीवन का स्तर सुधरेगा। ठीक है, जीवन अर्थ रहेगा तभी उसकी शैक्षिक होगा, तभी उसमें नैतिकता है। कि मैंने क्या कहा, अगर किसी के पास पैसा सबके पास अवेलेबल है तो स्वतंत्र विकास होगा ना, फिर उसके दिमाग में नहीं आएगा हमें चोरी करना है, हमें ये करना, डकैती डालना है, हम कैसे पैसा व्यवस्था करना, दिमाग कुछ नहीं, क्लियर है कि हमें ये काम आता है, हमें काम करेंगे, इस काम के फलस्वरूप मुझे मजदूरी मिलेगी, उसके फलस्वरूप हमें जो पैसा मिलेगा उससे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना जी। तो समाजवाद का मुख्य थीम इसमें यही है कि व्यक्तिगत संपत्ति का विरोधी है समाजवाद के कंसर्न में। एक चीज को समझ में आया समाजवाद वालों को, कि सारी समस्या का जड़ है व्यक्तिगत संपत्ति। यह व्यक्तिगत संपत्ति होती है, इसी से लोग समझते हैं पूंजीवादी व्यवस्था है, इसी से सारा विभेदीकरण आता है। भाई अपने आंखे से क्या है, मुकेश अंबानी सबसे अधिक पैसे वाले आज के डेट में, पैसा जगह इकट्ठा है, एक आदमी भूखों ने सोचा, एक आदमी पास इतना पैसा है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। ठीक है ना, तो ये अंतर कैसे समाप्त किया जाए, कैसे भेदभाव हो जाए। सामाजिक भेदभाव तो नहीं, सामने नहीं आता। मुकेश अंबानी भी किसी मीटिंग में जाएंगे तो बड़े प्रेम से ही मिलेंगे, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वहां नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन जीवन स्तर में अंतर आता है। ठीक है ना, तो यही जो खाई है ऊंच और नीच का, जो ऊपर और नीचे का, गरीब और धनी, पूंजीवादी व्यवस्था में यही तो है, जिसका पैसा उसका पैसा बढ़ता चला जाता है, और जो गरीब है वो गरीब होते हुए चला जाता है। इसी के समानता कैसे लाया जाए, इसी का जो है समाजवाद, इसी की स्थापना का यही पद्धति है, यही समाजवादी विचारधारा। ठीक है ना, अब इसमें कुछ विशेषताएं भी हैं, धीरे धीरे हैं। जैसे समाजवाद एक सिद्धांत है, एक आंदोलन है, जीवन पद्धति है, और पूंजीवाद का विरोध है। ठीक है, समाजवाद क्या कहता है, व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट हुआ। व्यक्तिवाद क्या था, व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वतंत्र, मतलब मैं स्वतंत्र है, हम अपना अधिक से अधिक कैसे विकास कर ले। वहां क्या था, सिर्फ अपने विकास की बात थी, हमारा विकास के ऊपर। यह क्या कहता, अपना विकास से काम नहीं होगा, अपना विकास से दृष्टि नहीं होगा, समाज का विकास कैसे होगा। समाज का विकास होगा तो सभी मनुष्यों का भी विकास होगा, क्योंकि मनुष्य कहाँ रहता, समाज में रहता है। ठीक है ना, तो इसका केंद्रीय बिंदु कहाँ है, समाज। ठीक है, फिर क्या है, समानता तथा स्वतंत्रता, समानता कि सभी को समान दर्जा माना, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, समझ, सभी को समान अधिकार प्राप्त, सभी को कार्य करने का अधिकार प्राप्त है, जो जिस योग्य है उसे उसी योग्यता के अनुसार कर। ये कहता है कि कोई बिना श्रम किए उसे जो है जीने का अधिकार नहीं, लेकिन सभी को श्रम जो है उसके योग्यता के अनुसार, जिसकी जो योग्यता उसे अनुसार दिया सकता है। भाई कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसे आप पढ़ाने काम कर दो, कहाँ से पढ़ा सकता है। जो मजदूरी नहीं कर सकता, आप उसे पढ़ा लिखा व्यक्ति को आप मजदूरी काम कर दो, कहाँ कर सकता है। तो श्रम सबको करना है, लेकिन श्रम अपनी योग्यता के अनुसार करना। ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं सोचता जो बिना श्रम किए समाज में रस के उसके आवश्यकताओं की दैनिक आवश्यकता पूर्ति तभी होगा जब वो समाज में श्रम करेगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है जी। फिर क्या होता, अर्थ पर समाज का नियंत्रण। अब देख, अर्थ पर समाज नियंत्रण क्या मतलब है, कि समाजवादी व्यवस्था करता अर्थ में व्यक्तिगत स्वामित्व की विरोधी करता है। व्यक्तिगत जब स्वामी होता है तो उसमें क्या होता, खाई गरीब है, गरीब और उसमें ईर्ष्या, ज्वलन, द्वेष, ठीक है, भावना अलग विकसित होती है। समाज में क्या होगा, अर्थ पर समाज का नियंत्रण होगा तो उसके उत्पादन और वितरण समान रूप से समाज करेगा, जिसको जितनी आवश्यकता होगा उतना देगा जो है। ठीक है ना, देखो गांधी भी एक थे, गांधी जो है
ये तो नहीं कहते थे समाज पे नियंत्रण हो जाए। गांधी के ना गांधी क्या समाजवाद था, उनका भी इसी से मिलता जुलता था। समाजवाद के विरोध में जब आते हैं तो कहते क्या थे, ट्रस्टीशिप्स का सिद्धांत करते थे। जी सिद्धांत क्या उनका था, यही था ना कि संपत्ति को जो है हम उस संपत्ति को अपने आप को मालिक न समझे, अपने आप क्या समझे उसको संरक्षक, किसके हम संरक्षक हैं, और जिसको इसकी आवश्यकता है, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको उसके अनुसार उसमें हम बांट देगा, ठीक है ना। कोई व्यक्ति भूखा ना मर जाए, जो है कि हमारे पास संपत्ति पड़ी हो कोई भूखा मर रहा हो। आज की डेट में राज्य सरकार योजनाएं चलाती है ना, गरीबों को उत्थान के लिए योजनाएं चलती है, इनको अन्न बांटा जाता है, तमाम सरकारी योजनाएं हैं। तो यह लोकतंत्र में ही सरकारी योजनाएं चल सकती हैं, सामान्यतः सार्वजनिक योजनाएं नहीं चल सकती, ठीक है ना। जी तो कहते क्या है, आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए राजनीतिक कार्रवाई द्वारा, राजनीति भाई के समाज नियंत्रण तो राजनीतिक कार्रवाई द्वारा उत्पादन की प्रणाली जो भी है, चाहे उद्योग हो चाहे कृषि हो, उस पर नियंत्रण किसका होना चाहिए, राज्य का। इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री पे कहते हैं इंडस्ट्री पे जो है राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, न कि कोई उनका व्यक्तिगत मालिक। इंडस्ट्री व्यक्तिगत स्वामित्व होगा, वही होगा कि मजदूरी करेंगे, लेकिन मालिक उसका पैसा फायदा किसको होगा, जो उसका मालिक होगा, ठीक है ना, करोड़पति मालिक बन जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक जोड़ है करता है कि समझ दार्शनिक करता है कि है क्या नाम उसका, CEM जोड़। उन्होंने तीन उपाय अपनी पुस्तक किए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में किया, क्या क्या किया, देखिए, उत्पत्ति के साधनों का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए, ठीक है, क्लियर हो ना। उत्पत्ति के साधनों, जहां से उत्पत्ति होता, सामान को उत्पत्ति होता समाप्त कर दिया जाए, मालिक जो इंडस्ट्रियां हैं उद्योग कारखाने हैं, व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए, और उद्योग और सेवाएं कहाँ चली जाए, वो सार्वजनिक सेवाएं नियंत्रण में आ जाए, मतलब समाज के राज्य के नियंत्रण में वो आ जाए, ठीक है ना जी। फिर क्या सर, है ये उत्पत्ति के साधनों का, साधनों का व्यक्तिगत स्वामित्व व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत स्वामित्व खत्म कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और महत्वपूर्ण उद्योग और सेवाएं जो है सार्वजनिक स्वामित्व और नियंत्रण के अंतर्गत कर दी जाए, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा कहता है उद्योग का संचालन समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाए, नोट कर रहे हो क्या, जी जी नोट कर लो, उद्योग का संचालन समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाए, न कि उनको चलाने का उद्देश्य व्यक्तियों के लाभार्जन का हो, जी सर, ठीक है। हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं फिर आप समझो, मतलब हाँ। जो इंडस्ट्री का संचालन जो है उसके संचालन इसलिए हो, समुदाय मतलब समाज जहाँ लोग रहते हैं, ठीक है ना, कम्युनिटी समाज में रहते हैं लोग, समुदाय, तो उनके के लिए वो संचालन किया जाए, व्यक्तिगत लाभ के लिए इंडस्ट्री का उद्योग किया जाए। जैसे व्यक्ति क्या करता है, अपने लाभ के लिए इंडस्ट्री की स्थापना करता है, समाजवाद करता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए इंडस्ट्री की स्थापना न किया जाए, समुदाय की भलाई के लिए उसकी स्थापना किया जाए, ठीक है। फिर तीसरा कहता है व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर समाज सेवा का उद्देश्य होना चाहिए, जी ठीक है, समाज मतलब व्यक्तिगत लाभ को ध्यान नहीं देना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है, समाज का सेवा कैसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर होता है इसके विशेषताओं में आता है वस्तुओं का सही वितरण और मानवता को गौरव दान करता है, जो समाजवाद है ये वस्तुओं का जो वितरण होता है उनको सही करता है, सही करने का फलस्वरूप क्या होता है, मानवता का गरिमा प्राप्त होती, मानवता के मानव की भलाई के लिए उसका वितरण सही करता है, ठीक है ना। यह समाजवाद के अंदर आर्थिक जो है वस्तु है उसका सही और न्यायपूर्ण ढंग से वितरण कैसे हो सकता है इस पे ध्यान देता है, ठीक है ना। यह कहता है कि वस्तुओं पर व्यक्ति के एकाधिकार के स्थान पर समाज में रहने वाले व्यक्तियों में न्यायपूर्ण ढंग से वितरण उसका आवश्यक है, मतलब जो समाज जो संपत्ति है उस पर व्यक्ति का एकाधिकार न होके समाज में उसका समानपूर्ण वितरण कैसा होना चाहिए यह आवश्यक है, ठीक है। सच्चा समाजवादी वही होता है जो उचित वितरण में सहायक होता है, क्लियर हो रहा है जी, मतलब लेते हैं समाजवाद क्या करता है, व्यक्तिवाद स्वार्थ की पूर्ति के स्थान पर है, मानवता को महत्व देता है, मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ का महत्व नहीं है कि हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है, समाज मानवता, मानवता मतलब जो समाज मानव में रह रहा है, ठीक है ना। देखो एक आदर्श होता था कि व्यक्ति में व्यक्तिवाद में व्यक्ति साध्य होता था, मतलब सब कुछ जो है इम्पोर्टेंस साध्य उसी के लिए है, राज्य उसके लिए साधन होता था, ठीक है ना। ये क्या कहता, नहीं नहीं साध्य समाज है, उस समाज की भलाई के लिए, ठीक है ना, समाज की भलाई के लिए व्यक्ति कार्य करेगा,
ठीक है, इंडिविजुअल काम नहीं करना है, व्यक्ति समाज को हमें श्रेष्ठ मानना, साथ ही हमारा समाज है, समाज का विकास कैसे हो सकता है, समाज में जो भेदभाव की समाप्ति कैसे हो सकती है, इसके दृष्टिकोण में ये इम्पोर्टेंट है। ठीक तो है, सर इसमें व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल जो है, वो साधन है और समाज साध्य है। इसके अनुसार समाजवाद का समाज, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस ध्येय क्या, इसका समाज है ना, व्यक्ति थोड़ी है, ठीक ये तो ठीक व्यक्ति बात। समाज, व्यक्ति की पूंजी का विरोध ही कर रहा है, ये तो कह रहा समाज वितरण कर देना चाहिए कुछ जो है। ठीक है, फिर ठीक है सर। क्या कहता है समाजवाद, क्या कहता है कि श्रम का महत्व है। ठीक है ना, इस सामाजिक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था में कहता है कि सब श्रमिक होंगे, सब श्रमिक मतलब कोई मालिक नहीं होगा, मालिक नहीं होगा भाई, क्या इंडस्ट्री में क्या होता है, एक मालिक होता है बाकी सब श्रमिक कार्य करते हैं, यही होता है ना। ये क्या समाजवाद क्या कर रहा है कि यहाँ मालिक नाम की कोई वस्तु ही नहीं, जैसे कोई जगह ही नहीं मालिक नाम के लिए, यहाँ क्या सभी श्रमिक हैं। ठीक है ना, ये देखो कहता है कि ऐसा श्रमिक समाज में श्रम करना ही करना है। ठीक है ना, जो जैसा होगा श्रम करेगा उसे वैसा लाभ होगा। ठीक है ना, तो समाजवाद यही कहता है समाज में बिना श्रम किए किसी को भोजन करने का अधिकार नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार कार्य करेगा और उसके श्रम के अनुसार उसे लाभ प्राप्त होगा। ठीक है ना, और इसके विपरीत क्या होता था पूंजीवाद में, क्या था वहां मालिक जो है श्रमिकों के श्रम का शोषण करता था वह, क्योंकि वो श्रमिकों के श्रम से अपने आप को पैसा प्राप्त करता था, यहाँ वो चीज नहीं है। ठीक है ना, जी फिर क्या है, वही है, एक है पूंजीवाद का विरोध, तो पूंजीवाद का विरोध तो सीधा कंसेप्ट है ये जो है वो कि तो मेन इसमें ही है, राजसत्ता पे का, हाँ वो तो मेन है इसका। मेन है ही, इसका लक्ष्य ही समाजवाद का है पूंजीवाद को समाप्त करना है, इसका सिद्धांत इसलिए करता क्या कि जितनी राष्ट्रीय जितने सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र हैं सबको राज्य जो है अपने कंट्रोल में कर ले जो है। ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होता है अगर पूंजीवाद व्यवस्था में क्या होता है असमानता बढ़ती है, धनी और गरीब के बीच गहरी खाई बढ़ती जाती है, राज्य सत्ता का पूंजीवाद पर प्रभाव बढ़ता है। ठीक है ना भाई, राज्य सत्ता जो होती है उसमें पूंजीवाद प्रभाव का जितनी पूंजी है उसकी ज्यादा सुनी जाती है। ठीक है ना, और इस प्रभाव का स्वरूप क्या होता है भ्रष्टाचार, शोषण, असमानता, असंतुलित वितरण और अन्याय में वृद्धि होती है। सीधा कंसेप्ट आगे को कामन समझाया कि समझिए कि लोकतांत्रिक समाजवाद जरूर इंडिया है, सब कुछ सही है, समाजवाद का पूरी तरह समाजवाद तो नहीं है, जो पूंजीपतिवादी हैं जितनी मुकेश अंबानी की बात सुनी जाएगी उतनी हमारी आपकी सुनी जाएगी नहीं, सुनी जाएगी नहीं, नहीं सुनी जाएगी ना, वो जो चाहेंगे अपने अनुसार करा ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि इतना अंतर है कि उसकी बात की वैल्यू हमारे आपके बात की वैल्यू बहुत अंतर आ गया। जी यही समझ करता है कि पूंजी एकीकृत हो गया है, इसीलिए पूंजी करता है कि सबसे पहले पूंजी ही समाप्त करो, पूंजीवाद सब सिस्टम ही समाप्त, व्यक्तिगत संपत्ति का विरोध ही कर दो यार। ठीक है ना, इस विचारधारा में तो समाजवादी कहते क्या है कि उत्पादन के सभी साधन जैसे उद्योग हो भूमि हो इनका क्या करना चाहिए राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। ठीक है ना, हाँ हालांकि ये भी कहता है कि व्यक्तिगत उपभोग के लिए समाजवाद कहता नहीं कि आप कुछ संपत्ति रखने की छूट देता है, लेकिन वो भी सीमित, जैसे भूमि, गृह, लघु उद्योग, ये सब क्या है व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में आप रख सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या है अपनी आवश्यकता के अनुसार जो है आप पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है जी देर वाले ना, लेकिन जी बहुत व्यापक रूप में जो है यह नहीं होता। समाजवाद में क्या राज्य की इंपॉर्टेंस, राज्य की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि पूंजीवादी व्यवस्था समाप्त करना है, तो आप कह ही रहे हो कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए पूंजी पे जो है, अब पूंजी पर राज्य का नियंत्रण होगा तभी उसका समान वितरण हो सकता जो है। ठीक है ना, जी ले रो ना, फिर क्या है समाजवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि भी होती है, ये तो समाजवाद की विशेषता क्या क्या है। अब कोई भी व्यवस्था होती है तो उसके पीछे कौन कोई पृष्ठभूमि भी होती है, किस पृष्ठभूमि में इसका हुआ जो है। ठीक है ना, तो उसी व्यवस्था के पृष्ठभूमि में है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कहाँ सकता, समाज से ही संभव है भाई। नैतिकता भी हम आप पढ़ते हैं किस पढ़ते हैं करते हैं कि समाज में है तभी इथिक्स है, समाज में नहीं थी इसका कोई मतलब नहीं। हमारे व्यक्तित्व का विकास कहाँ दिखाई पड़ता, समाज दिखाई पड़ता, जंगल में व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। ठीक है नहीं, और समाज का विकास कैसे होगा, व्यक्ति के विकास होगा, व्यक्तित्व का विकास होगा तभी समाज का विकास होगा। ठीक है ना, तो दोनों में क्या है आपस में संबंध है,
समाज से व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्ति के विकास से जो है समाज का विकास होता है। जी समझ में आ रही क्लाइंट, समझ में आ रही व्यक्ति समाज है, तो समाज के उत्तरदायित्व समाज के कार्यों से अपना मूल्यों से अपना विकास करता है, और जब व्यक्ति का विकास हो जाएगा तो समाज अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, वही सर मैं भी ये सोच रहा था कि इसमें व्यक्ति का अगर विकास हो जाएगा तो समाज का विकास हो जाएगा, तो व्यक्ति को फिर इसमें साधन नहीं होना चाहिए। समाजवादी दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास से समाज का, लेकिन दृष्टिकोण व्यक्तिगत विकास का दृष्टिकोण सामाजिक होना चाहिए। अच्छा, क्लियर हुआ नहीं? हमारा व्यक्तिगत विकास होना चाहिए लेकिन दृष्टिकोण सामाजिक होना चाहिए। भाई हम कोई कार्य करते हैं अपने लिए करते चले जाएं, हमारे पास बहुत पैसा है, पूंजीपति है, लेकिन हम क्या करें, सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं ना, ये करें सामाजिक दिखिए, समाज के लिए आप करिए, विकास करिए। मूल्य की स्थापना कहाँ होती है? समाज में होती है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का विकास सामाजिक दृष्टिकोण से होगा तो समाज का विकास अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हो रहा नहीं हो रहा अभी? जी सर, जहां क्लियर पूछ तुम बता दें, क्लियर कर देंगे। ठीक है सर। फिर होता क्या, स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्तित्व का विकास। समाजवाद कहता क्या है कि स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब हम भौतिक व्यक्ति जो है भौतिक जीवन के झंझावातों से मुक्त होता है, कि मतलब हमें क्या इकट्ठा करना है, कैसे भौतिक हमारी व्यवस्था चलेगी, हम कैसे कल भोजन करेंगे, हम कैसे रहेंगे, हमारे मकान कैसे बनेगा। जब हम इन चिंताओं से मुक्त रहेंगे तभी हमारा जो है विकास, व्यक्तित्व का विकास हो सकता, नहीं हमारा चिंता इसी में रह जाएगा, हम कैसे पढ़ाएंगे, कैसे लिखाएंगे। और समाजवाद में क्या है, समाजवाद तो कहता है कि भाई वो तो कहता है कि ऐसी समस्या नहीं आने देगा, क्योंकि श्रम के अनुसार सबको उत्पादन और वितरण पर सारा राज्य का अधिकार है, उसके अनुसार उसको सबको व्यवस्था रहेगी, तो भौतिक संसाधनों की चिंता नहीं रह जाती समाज व्यवस्था। ठीक है, जब भौतिक संसाधनों की चिंता नहीं रह जाएगी तो फिर आपके उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। ठीक है ना, जैसे वही कोई एक व्यक्ति है, उसके घर में सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, नेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पढ़ाई सारे है, चल रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप तुरंत क्लास खोले, आन खोले, सब कुछ प्राप्त कर लिए। लेकिन एक ऐसा लड़का हो जिसके घर में कोई व्यवस्था नहीं हो, उसे ये भी नहीं पता शाम का भोजन कैसे चलेगा, तो पहले तो उसके दिमाग में ये जाएगा कि हम शाम की व्यवस्था में कैसे, शाम का भोजन कैसे व्यवस्था हो जाए। जब उसकी व्यवस्था कर लेगा तब उसके पास टाइम बचता है कि हम पढ़ाई के बारे में सोचें, अपना और कुछ सोचें। ठीक है ना, तो समाजवाद कहता है कि स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्तित्व का विकास इसलिए, क्योंकि भौतिक चिंताओं से मुक्ति मिल गई है, हमारी समस्या साधन का स्तर पर। जब हमें भौतिक संसाधनों की चिंता नहीं है तो हम अपना स्वतंत्रता पूर्वक विकास कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना, मतलब आपको इसकी टेंशन नहीं, हमारे पास ये सामान नहीं है, आप क्लियर, हमारे पास सब कुछ है। ठीक है, फिर क्या होता है, सहयोग की भावना। समाजवाद में क्या होता है, सहयोग की भावना होता है कि इस सामुदायिक भावना की आपस में मिलजुल कर सहकारिता के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत में अपने लाभ की बात करते हैं, समाजवाद में क्या, सहकारिता मतलब कि मिलजुल के कार्य करना। ठीक है ना, इसमें क्या करते हैं, समाज के लोग सहयोग पूर्वक कार्य करते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, संपूर्ण समाज में सबको जो है अवसर की प्राप्ति होती है, आगे बढ़ने की अवसर मिलता है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है ना, मुक्त जीवन की प्राप्ति कैसे हो सकता है। फिर क्या होता है, आत्मविकास। ठीक है, आत्मविकास क्या होता है, समाजवाद कहता क्या है कि व्यक्ति के आत्मविकास के लिए समाज और राज्य की सेवा को आधार मानता है, कि व्यक्ति का आत्मविकास तभी हो सकता है जब वह राज्य और समाज का सेवा करे। ठीक है ना, आत्मविकास आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति से संभव है, और वो आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त होती है, यह समाज में अवसर प्रदान करता है। ठीक है ना भाई, आध्यात्मिक लक्ष्य क्या होता है, अच्छे अच्छे कार्य करना, ये हमें कहाँ प्राप्त करता, समाज में ही, जो कहता है समाज ही तो अवसर देता है। ठीक है, एरर नहीं कर रहा जी, ये कहना कहता है कि कहता क्या है कि व्यक्ति अपने में और केवल अपने से पूर्णता की प्राप्ति नहीं कर सकता, समाज से अलग व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। समाजवाद का लक्ष्य क्या है, व्यक्ति को आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुक्त रखना, यह मुक्ति भौतिक भार से मुक्त होने पर ही संभव है, और समाजवाद सामाजिक संगठन का परस्पर सहयोग इसके लिए आवश्यक मानता है।
मतलब भौतिक जो भार है इससे मुक्त कौन करता, सामाजिक संगठन ही समाज ही मुक्त कर सकता हमें, क्योंकि समाज में सकारिता का भावना उत्पन्न होती है, तभी हमारे आत्मिक विकास हो सकता है, आध्यात्मिक विकास हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर होता है उत्कृष्ट जीवन। उत्कृष्ट जीवन मतलब क्या है, उच्चतम गुणों से संपन्न जीवन, ठीक है ना। जीवन की उत्कृष्टता कैसे कब प्राप्त हो सकती है, तभी मिल सकती है जब जीवन संघर्षों से मुक्त हो, ठीक है। देखो सब लगते एक ही प्रकार के हैं, आत्म विकास कहो, जीवन कहो, सहयोगी भावना कहो, ठीक है ना। पर फिलॉसफी है कंक्लूजन, हम आप तो एक लाइन में क्लियर कर सकते हैं कि इसका अर्थ सब वही होता है आध्यात्मिक। तो भाई भारतीय धर्म तो कह गया है क्या श्रेय अप्रेय है, पारमार्थिक भौतिक जगत तो इसी तो है, आध्यात्मिक प्राप्त करिए। लेकिन यहाँ क्या है, आपको हर शब्दों की अलग अलग व्याख्या करनी, ठीक बात, ठीक है ना, क्लियर हो रहा, बाकी तो सब एक ही लगता है, सब एक हाई भी सब भाई आत्म विकास में आध्यात्मिक विकास में सब आ जाता है, उत्कृष्ट जीवन भी उसमें आ जाता है, ठीक है ना, क्लियर ना जी। तो इनका उत्कृष्ट जीवन ये समाजवाद चाहता है, मनुष्य अच्छा जीवन जीने के लिए संघर्ष और चिंताओं से मुक्त हो और उसके भीतर ऐसी क्षमता उत्पन्न हो जाए उच्चतम गुणों से उत्पन्न वह जीवन जी सके जो है, ठीक है ना। अब फिर कहता सद जीवन समाज और सद जीवन, अब सद जीवन का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना, इसको आप लिख लो ना, सद जीवन सत्य की लिख रहे हो, लिख लो जरा, नोट कर लो इसको सर, भाई। एक कहता सद जीवन और समाज और सद जीवन का अर्थ क्या होता है, समाजवाद कहता है कि मनुष्य सद जीवन को महत्व देता है, कि सद जीवन सबसे इंपॉर्टेंट सद जीवन है, सद जीवन की प्राप्ति तभी हो सकती है जब संघर्षमय जीवन का अतिक्रमण कर लिया जाए, कि संघर्षमय जीवन न जीना पड़े, लेकिन पहले ये तो समझो कि सद जीवन है क्या, ठीक है ना। सत्य की शोध सत्य के लिए करना, ठीक है, सुंदर वस्तुओं का उनके सौंदर्य के लिए निर्माण करना, अच्छा, ठीक काम करना इसलिए कि वह ठीक है, अच्छा, रुचि का विकास और परिष्कृत शिष्टाचार, जी ठीक है, यही जो है सत्य जीवन के तत्व है, सत्य जीवन का मूल्य जो है यही है, ठीक है, लिख लिया ना जी कहने मतलब सीधा सीधा यह है कि आध्यात्मिक आदर्शों के प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करना वही सत जीवन है। देखो आध्यात्मिक मनुष्य की पूर्णता बिना आध्यात्मिक के काम बनता नहीं, भौतिक जीवन पर से आदमी संतुष्ट होता नहीं, आदमी सब पूरी संतुष्ट रहता है ऐसी स्थिति से आता है जहां हमें दुख का अनुभव ही ना हो, दुख मिले ही नहीं, और वह स्थिति पहुंचती है वह क्या पहुंचती है, वह आध्यात्मिक में ही पहुंच जाती है, ठीक है ना। क्या होता है, एक होता है पूर्ण समृद्ध मुक्त जीवन, समाज कहता है समाज में जब एकाधिकार और संघर्ष समाप्त कर दिया जाएगा तब पूंजीवाद समाप्त हो जाएगी, तब समाज किसे होंगे, सभी लोग श्रमिक हो जाएंगे, पूंजीवाद कोई है ही नहीं, मालिक कोई है ही नहीं, और जब सभी श्रमिक हो जाएंगे तो श्रमिक क्या होगा, श्रमिकों का राज्य हो जाएगा वह, और ऐसे राज्य में लोग किसी के लिए दूसरे के लिए काम नहीं करेंगे, वो किसके लिए काम करेंगे, अपने के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि राज्य में सभी श्रमिक हैं, जो हम किसी मालिक के लिए कार्य नहीं करेंगे जो कि हमारा शोषण करे, उसके संपत्ति हमारे पैसे हमारे काम से वो अपनी संपत्ति इकट्ठा करे, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, जो राज्य के जो नियम होंगे वह लोग अपने आप पालन भी करेंगे, क्योंकि मालूम है कि राज्य हमारे लिए ही बना रहा जो है, जो कुछ राज्य का नियम है किसी और के लिए नहीं है, यहाँ कोई मालिक नहीं है, यहाँ सभी श्रमिक ही हैं जो है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कहता है जीवन का जो प्रसन्नतापूर्वक लोग निर्वाह जीवन जीव प्रसन्नतापूर्वक जियेंगे, और जब प्रसन्नतापूर्वक जीवन जियेंगे तो उनका विकास सामान्य प्रक्रिया के तहत ज्यादा अच्छे ढंग से होता है प्रसन्न होने से जो है, ठीक है ना। क्योंकि मालूम सबको मालूम है परिश्रम के फल से किसी पूंजीपति की लाभ राशि में वृद्धि नहीं होगी, जो परिश्रम कर रहे हैं किसी पूंजीपति की वृद्धि नहीं होने की हमारे श्रम से उसका खजाना भरा जाना, अपित क्या होगा, यहाँ सभी को अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण अधिक समृद्ध और अधिक मुक्त जीवन का अवसर मिले, जो समाज में रह रहे हैं उनको अच्छे से अच्छा कैसे जीवन व्यतीत किया जाए इसके अवसर की प्राप्ति होती है, ठीक है। फिर क्या, समाज सेवा, समाजवादी समाज सेवा इसलिए है भाई, यहाँ कोई दूसरे को अलग अलग नहीं मानता, सभी अपने आप को बराबर मानते हैं, सभी को बराबर सुविधा प्राप्त रहती है, तो क्या समाज सेवा का अवसर प्राप्त होता सब है, ठीक है ना। अधिकांश पहले क्या पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है,
श्रमिक जो है अधिक श्रम भी करते थे, भूखे मर भी जाते थे, पर इस समाजवादी व्यवस्था में कोई भूखा नहीं मरता है, ठीक है ना, भूखा मरता नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं हम दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, हम सबके लिए आपस के लिए कार्य करते हैं, ठीक, क्लियर हो गया ना। फिर क्या होता है, अब भारत दृष्टिकोण से है, इन सबके बाद भाई इनकी विशेषताएं भी हैं और कमियां भी हैं लोकतांत्रिक समाजवाद की। भाई भारत में क्या हुआ, भारत में तो लोकतांत्रिक समाजवाद स्थापना किया गया यहाँ, ठीक है ना। इसकी परिभाषा बड़ी लंबी लंबी है कि लोकतांत्रिक समाज में क्या है कि अन्याय दमन शोषण किसी का नहीं होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद में उत्पादन वितरण का व्यवस्था भी लोकतांत्रिक ढंग से ही की जाती है, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा और लोकतांत्रिक समाज का उद्देश्य क्या है, दलित तंत्र नहीं रोता लोकतांत्रिक समाजवाद में, किसी एक दल का ही सर्वे सर्वा बहुमत हो ऐसा चीज नहीं आती है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक समाजवाद में क्या, सबको अवसर की मिलता है, क्लियर हो रहा है ना। अब इसकी परिभाषा एक दार्शनिक बड़ी लंबी परिभाषा दिया है, ठीक है, नोट न करना, हम बता देते हैं जो है। जी सर, वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, तो फिर बाद में नोट कर लूंगा। हाँ बाद में नोट कर लेना। हाँ और बहुत थोड़ी बहुत लंबी होती, इतनी लंबी है ना कि याद करना आसान नहीं है, लेकिन उससे क्या हुआ, पूरा क्लियर कंसेप्ट क्लियर होगा कि सारांश में क्या कहा जा सकता है। ये है लोकतांत्रिक समाजवाद वह सामाजिक समाजवादी व्यवस्था है जो समाज के व्यक्ति के लिए समानता स्वतंत्रता भ्रातृत्व सामाजिक आर्थिक और आर्थिक न्याय दिलाता है, ठीक है ना। ये तो एक सामान्य परिभाषा हो गई। एक है डब्लू एबनस्टीन ने अपनी पुस्तक है टू डेज इसमें लोकतांत्रिक समाज परिभाषा और दिया है, और पूरा विधिवत का उद्देश्य और कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए कहते क्या है, विशेष सुविधाओं से विहीन वर्ग के लिए और भी अधिक अवसरों का सृजन, सब लोगों के लिए शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना, धार्मिक जाति और सामाजिक स्थिति के आधार पर व्यक्ति व्यक्ति के मध्य भेदभाव की करने की प्रथा का अंत करना, अर्थव्यवस्था का नियमन तथा पुनर्संगठन संपूर्ण समाज के लाभार्थ करना, रोजगार की पूर्ण व्यवस्था करना, बीमारों वृद्धों तथा बेरोजगारों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, नगरों तथा कस्बों की स्थिति का पुनर्नियोजन, गरीब तथा धनी सभी के लिए चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना, गंदी बस्तियों को नष्ट करने, नए आवास गृहों का निर्माण तथा अंत में प्रतियोगिता प्रेरणा तथा लाभ के स्थान पर सहकारिता के आधार पर समाज का पुनर्निर्माण करना, ठीक है ना। बड़ी लंबी परिभाषा है। तो इनका क्या कंसेप्ट चीज आता है कि खुली प्रतियोगिता, पूंजीवादी व्यवस्था में कहते हैं प्रतियोगिता होती है, इनमें क्या होता है प्रतियोगिता का स्थान पर क्या होता है सहकारिता होता है, तो सहकारिता मतलब आपस में मिलजुल कर कार्य करना। प्रतियोगिता में क्या होता है कि व्यक्ति अपने को कैसे अगले से बढ़ाया जा सकता है इसके लिए प्रयास करता है, ठीक है ना। अब लोकतांत्रिक समाज की जो विशेषताएं क्या है, स्वार्थी व्यक्तिवाद का विरोध होता है। स्वार्थी व्यक्तिवाद मैंने कहा व्यक्तिवाद सीधा है कि अपने ही के लिए ही कार्य करता है, उसके लिए क्या स्वतंत्र पूर्व चिंतन अपना विकास कर सकता है, स्वार्थपूर्ण होता है, ये क्या करता है, नहीं स्वार्थ व्यक्तिपूर्ण नहीं, हमें समाज के विकास की बात करना है, ठीक है ना। समाज का विकास कैसे होता है समाजवाद उसकी बात करता है। पूंजीवाद के स्थान पर क्या करता है सहकारिता की बात करता है। सहकार पूंजीवाद में क्या होता है कि एक आदमी पूंजी इकट्ठा रहती है, वह अपनी इंडस्ट्री की एक इंडस्ट्री से दो इंडस्ट्री से तीन इंडस्ट्री कैसे इसकी व्यवस्था करता है। इसमें क्या होता है सहकारिता की, आपस में लोग समन्वय करके जो है समाज का विकास करते हैं, ठीक है। राज्य क्या करता है समाज विरोधी कार्यों का दमन करता है, जो समाज के विरोधी काम करते हैं। अब होता क्या कि समाज में जिनके पास थोड़ा बहुत सामान होता है वो समाज में कमी दिखा के ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। समाज में उपस्थित है, समाज है, सामान है, जैसे नमक है, आलू, कोई भी समाज खाद्य पदार्थ है, उपलब्ध होने के बावजूद ये शो करते हैं कि इसकी उपलब्धता नहीं रह गई। जब उपलब्धता नहीं रह जाती है तो ब्लैक मार्केटिंग होता, 10 का सामान 100 बेचा जाता है। अभी एक मैसेज टीवी पे फैल जाए कि नमक का शॉर्टेज हो गया है, तो 20 रुपया किलो नमक 100 रुपये किलो में बिकने लगेगा, और उसमें भी हो सकता है दुकान वाले देख रहे हैं वो मुश्किल से मिल रहा है, क्योंकि उनको ये आशा है हो सकता है कल 100 बेच रहा है कल 200 में बिक जाए, ठीक है। तो राज्य क्या करता है, राज्य ऐसी व्यवस्था पे क्या करता है अंकुश लगा देता है, कानून बना देता है, भैया ब्लैक मार्केटिंग करोगे छापा डालेंगे, देखेंगे आप पता लगा एक कुंतल नमक रखे हो और कह रहे हो साटक दिखा के जो है ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, क्लियर हुआ जी सर। तो ये फीचर जो अभी ये आपने बताया सर, ये लोकतांत्रिक समाजवाद की फीचर है। हाँ हाँ लोकतांत्रिक
समाजवाद, वैसे लगभग जो मैं बता रहा लगभग सब लोकतांत्रिक समाजवाद, विकासवादी समाज व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक समाजवाद ही में अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है, लोग देखो समाजवाद तो कहने की बात है, हमारे यहाँ समाजवाद लागू है नहीं पूरी तरह। समाजवाद संविधान में भी नहीं था, बयालीस में संशोधन की तरह 1976 में जो है लागू हुआ जो है। हमारे यहाँ पहले क्या था, ये था सरकारी चीजों में समाजवाद तो ना, सब कुछ सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई समाज सरकारी नियंत्रण में तो है नहीं, अंबानी भी हैं, टाटा भी हैं, बिरला भी हैं, लोग अपना खुली स्पर्धा करते हैं क्योंकि अब ओपन मार्केट हो गया है। ओपन मार्केट में अगर ये समाज नियंत्रण हो जाएगा तो विकास ही नहीं हो सकता भैया, प्रतिस्पर्धा चल रहा, कानून चल रहा है। व्यक्ति जब अगर उसे बढ़ने का अवसर मिलेगा तभी वह मेहनत करता है। ये तो समाजवाद तो सिर्फ एक आदर्श है, इस आदर्श की प्राप्ति संभव ही नहीं। हाँ, राज्य है, राज्य गरीबों की भलाई के लिए कार्य करता है, वो हमारे यहाँ किया जाता है। समाज में तो इसीलिए संशोधन किया गया था ना क्षेत्र में कि समाज के हर व्यक्ति कोई भूखा न मर जाए, सरकार की थीम होती है। लेकिन सरकार ये नहीं कर सकती कि एक व्यवस्था समाप्त कर दे सबके सार्वजनिक नियंत्रण का, तो देख रहे हो सरकारी चीजें बेच दी जा रही है, बहुत सरकारी चीजें चीजें बेच दी गई। बेच दी जा रही है। समाजवाद तो ये कहता है नहीं बेचने के लिए, समाजवाद कहता है कि नियंत्रण तो सरकार का होना चाहिए। जी ठीक है, तो कतर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, अब तो राज्य का नियंत्रण नहीं रह गया है क्योंकि राज्य का नियंत्रण होता क्या कि प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाती है। विकास के लिए प्रतिस्पर्धा सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो आलोचना होती ही है जो है। ठीक है, ये सब तुम अधिकारों की सुरक्षा है भाई, देखो जो आदर्श लिखित आदर्श की बात होती है अधिकारों की सुरक्षा, ठीक है, लोकतांत्रिक समाज में अधिकारों की सुरक्षा होती है कि किसी का उत्पीड़न नहीं होगा, किसी को अकारण दंड नहीं मिलेगा, उसके धार्मिक पे कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसको अपने दृष्टिकोण रहेगा, उसकी अपनी विचारधारा होगी, कोई बाहरी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता। क्यों हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि राज्य गारंटी देता है। ठीक है ना, जी सर, मानवीय मूल्यों का महत्व होता है, जो मानवीय मूल्य होते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद जो है इसकी आलोचना भी होता है, तमाम सामाजिक शुभ है, पूंजीवाद बुराइयों को दूर करता है, सब सही है। संपत्ति जो है सेवा का माध्यम बना लेता है, समाज करता है ना, संपत्ति है तो उसमें सेवा करें जो है। दस्यशिप में भी गांधी जी यही कहते थे कि आप उसको अपना मालिक न समझिए, इसका रक्षक समझिए और जिसको आवश्यकता है उसको उसमें वितरण कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद आलोचना तो इसकी है ही। ठीक है, आलोचना ये होता है कि उत्पादन के प्रोत्साहन में कमी होता है। भाई उत्पादन कब अधिक होता है, जब व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है, जब रात के अधिग्रहण हो जाता है तो व्यक्ति लगता है कि यार जितना कर रहे हैं उतना ही मिलेगा, ज्यादा तो लाभ मिलेगा नहीं हमें, तो उस पे उत्पादन जितना व्यक्ति अपने कार्य के लिए, व्यक्ति देखो स्वभावतः व्यक्ति क्या होता है, प्रवृत्ति होती है उसका पैसा इकट्ठा करने प्रवृत्ति होती है, वो इकट्ठा करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहता उसके लिए वो कार्य करना चाहता है। ठीक है ना, इस व्यवस्था में क्या करता है, उत्पादन में जो है क्षमता में, उत्पादन की क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक है ना, जी फिर क्या होता है कि भ्रष्टाचार फैलता है, भ्रष्टाचार से फैलता है, राज्य के हाथ में होता है तो अफसर गिरी होता है। होता क्या है कि राज्य के हाथ काम चला था, अफसरों के हाथ में चला गया, अफसर क्या करते फिर है, अपनी मनमानी करते हैं। अंतर इतने होता है, जो पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपति करता था अब वही कार्य राज्य वाली व्यवस्था में अधिकारी करने लगते हैं। तमाम योजनाएं सरकारी चलती रहती है लेकिन अधिकारी देते ही नहीं है, वो आपको कोई ना कोई चीज कमी दिखाकर वापस कर देते हैं। ठीक है ना, हो रही नहीं कमी जी तो क्या हुआ, उपभोक्ता की समस्या होती है समाज में, उपभोक्ता की शिष्टता समाप्त हो जाती है, उपभोक्ता को बाध्य होकर अपनी आवश्यकताओं की उत्पत्ति के साथ समझौता करना पड़ता है। ठीक है ना, तो उसे अपने उपभोग की सामग्री में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि खुली स्पर्धा समाप्त हो जाती है। खुली स्पर्धा समाप्त हो जाती थी भाई, ये खुली स्पर्धा में प्रतियोगिता में होता है ना कि ये इतना अच्छा बना है, इतना अच्छा बना देगा, इससे अच्छा बन जाएगा, तो हमारे पास च्वाइस आ जाता है। ठीक है ना, अब इस व्यवस्था जब सार्वजनिक होता है तो च्वाइस की व्यवस्था समाप्त हो जाती है, वहां तो निश्चित हो गया भाई ये रेट फिक्स है, नहीं कहता तो सरकारी रेट फिक्स है, जी ज्यादा चॉइस नहीं है मतलब। च्वाइस वहां कहाँ रह जाती है। और वहां क्या मतलब करे शक्तियां दोष क्या, मैंने कहा ना कि पूंजीवाद की जगह शक्ति किसने, राज्य के पास चली जाती है, राज्य पास चली गई मतलब कौन है, राज्य का संचालन कौन करता है, अधिकारी लोग करते हैं, तो सत्ता कहाँ चली गई, इनके हाथ में चली गई। ठीक है ना, तो ये सब समस्याएं हैं समाजवाद में, लेकिन फिर भी एक मैं कहावत कही है कि कोई सब कुछ अब जो होता है आदर्श ही होता है, आदर्श के पास हम जितना पहुंच जाए
उतना पर्याप्त होता है, ठीक है ना। तो समाजवाद की जो इसकी अपने आप में दृष्टिकोण है कि किसी को कोई कष्ट न हो, उत्पादन वितरण पे सबका सार्वजनिक स्वामित्व हो, राज्य का एक अधिकार हो, राज्य उसके अनुसार अनुपात अनुसार लोगों को दो, किसी में जो है दूराग्रह न हो, आपस में भेदभाव न हो, ऊंच नीच की गरीबी समाप्त हो जाए, जो है किसी को भौतिक चिंता न रहे, हमें क्या खाना क्या पीना, चिंता मुक्त होकर अपना विकास कर सके, समाज जो इसका लक्ष्य है, ठीक है ना, ये इसका कंसेप्ट है जो है, ठीक है जी सर। और कुछ क्लियर हो? है तो बहुत कुछ, लेकिन आपके काम के लिए इतना पर्याप्त है जो है, जी ठीक है ना। इसमें सर मार्क्सिज्म वाला मतलब ज्यादा नहीं आएगा, ये नॉन मार्क्सिज्म वाला डेवलपमेंट वाला ज्यादा है। देखो मार्क्स वाला जब आता है तो वो साम्यवाद हो जाता है, वो समाजवाद का रूप है, साम्यवाद है वो, जिसको इंग्लिश में सर कम्युनिज्म बोलते हैं। हाँ समाजवाद हो जाता है, ठीक है ना। ये अच्छा क्या है, ये समाजवाद है। साम्यवाद मैंने कहा वर्ग संघर्ष की बात करता है ना, वो डिफरेंट है वो भी। ये देखो एक साम्यवादी है, ये गैर साम्यवादी मत है समाजवाद, ठीक है ना। वो विज्ञानवादी समाजवादी जो होता है, मैं कहा ना कि एक साइंटिफिक सोशलिज्म होता है उसी को कम्युनिज्म कहते हैं, कार्ल मार्क्स वाले साम्यवाद होता है। मार्क्स क्या कहते व्यवस्था, क्रांतिकारी व्यवस्था थी जो है, ठीक है। ये क्या है, गैर मार्क्सवादी में आता है, इसमें विकासवादी समाज व्यवस्था, इसमें लोकतांत्रिक है, फेबियन समाजवाद है, जर्मन समाजवाद है, तमाम समाजवाद है। मैंने कहा समाजवाद की श्रृंखलाएं बहुत लंबी लंबी है, ठीक है ना। जी सर। बाकी तो आलोचना बताने कि इसमें क्या होता है, उद्योगों की विशालता, उसका प्रबंध खत्म हो जाता है, राज्य उद्योग इतने विशालतों को संभाल नहीं पाता जो है, ठीक है। ऊंचे से नीचे गिरा कर बराबर करने वाली व्यवस्था है। सबसे बड़ी आलोचना होता है कि इसमें क्या था, जो अधिक अमीर है समाजवाद कहता है उनको गिरा दो, नीचे गिरा दो, बढ़ने ही नहीं दो भाई, ये तो कहता है मुझे बढ़ने दो, करने दो, यानी जो ऊपर बढ़ना चाह रहा है उसको भी आप गिरा के नीचे कर दे रहे हो। इसमें क्या होता है, गरीबों के प्रति सहानुभूति अधिक होता है, और गरीबों को संतुष्टि करने के लिए अमीरों के रहन सहन अवार्ड की दृष्टि जो ऊंचे हैं उन्हें भी आप खींच कर गरीबों को बराबर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। आप ये नहीं देखते कि अमीर बेचारा अपनी मेहनत से अपने उद्योग से संघर्ष करके ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, आपको सिर्फ ये दिखाई देता है कि आपकी एक धारणा हुई गरीब और अमीर बराबर होने चाहिए, इसलिए उसके संघर्ष को अनदेखी करके उसको भी खींच के आप नीचे बराबर कर दिया। इससे क्या होता भी है कि जो व्यक्ति कार्य करने वाला उसके मन में भी कुंठा उत्पन्न हो जाती है कि हमें करने से क्या फायदा होगा जब हमें विकास ही नहीं बढ़ने दे। आदमी की जब बढ़ विकास तभी करता है जब से बढ़ने का अवसर मिलता है। अगर हम ही आप हैं, कोई लग जाए कि रिजल्ट हो जाए भैया आपको 60% जितना 60 ऊपर नंबर पाओगे ये नंबर उनको दे दिया जाएगा जो फेल हो रहे हैं, ठीक है। यही विचारधारा कह रहा ना, जी यही हो गया। हाँ सही कह रहे सर यही हो गया कि आप 60% फर्स्ट क्लास होता है, इससे ऊपर हायर आप करो डिटेंशन या ऊपर से परिश्रम आपको नहीं जाने देंगे। इससे ऊपर आप जाओगे तो वहां देखेंगे इसके ऊपर जो नंबर आपका जा रहा है काटेंगे और बढ़ने देंगे, और नीचे वाला जो 30% पा रहा है उसको पकड़ा देंगे, यही कहना चाह रहा है। तो आपको लग जाएगी यार तो 60% नंबर मिलना है तो हम पूरी किताब क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम उतनी उतना ही मेहनत पढ़ेंगे नहीं करेगा कोई। हम 60% जितने मिल जाए उतने ही पढ़े जो है, हम 6 ही क्वेश्चन करते हैं 60 क्वेश्चन करते हैं, सुपर मेहनत क्यों करना है, बर्बाद कर रहे हैं अपना जो है, फिर विकास कहाँ हुआ इससे, बिल्कुल ठीक है ना। तो आप जब अवसर की समानता कहते हो तो अवसर की समानता में जीवित होता है जितना उसको कार्य के उतना मिलना चाहिए। भाई श्रमिक है, श्रमिक कार्य कर रहा है, विकास मिले, कोई भूखा नहीं। तो आज के डेट में भारत सरकार, हमारी देश सरकार तो यही कहती है भाई अवसर समानता देती है, आपको उपलब्ध कराती है, गरीब योजनाएं लाती है, ठीक है ना। जी तो हमारी व्यवस्था परफेक्ट व्यवस्था है, कोई व्यवस्था हमारे यहाँ कमी नहीं है। ये तो छदम वैसी है, मैंने कहा कि थोड़ा काम करके अपने आप समाजवादी प्रूव करने के लिए राजनीतिक करने के लिए दिखाते हैं हम ही समाजवादी हैं, बाकी लोग शोषण कर रहे हैं। समाज का विकास, देश का विकास करना है आज की खुली अर्थव्यवस्था में तो दोनों को तो आज की क्या जी तो हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है कि यहाँ सब कुछ है, सरकार का स्वामित्व भी है, गरीबों कल्याण की योजनाएं भी आती हैं, ये भी सरकार का प्रयास रहता है कि कोई भूखा ना मर जाए जो है। सरकार ये भी देखती है कि जो अपने आप में अपना स्वावलंबन से अपना विकास करना चाहते हैं उनको बढ़ावा देने का भी प्रयास अवसर देती है, उनके लिए व्यवस्था करती है कि अपना स्वयं का कुटीर उद्योग चलाइए, इंडस्ट्री करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, ठीक है ना। तो सही अपने यहाँ का दृष्टिकोण बेटर है,
अगर राजनीतिक दृष्टिकोण समझा जाए तो बेस्ट है, बेस्ट उपाय ही है, इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं। प्योर रूप से समाजवादी व्यवस्था कल्पना ही से हो सकती है। दोनों का सामंजस्य करना पड़ता है। समाजवादी व्यवस्था की तो ठीक है, किसी को भूखा ना मरे, गरीबों को भी अवसर मिलना चाहिए, श्रम जो करा सो श्रम के कार्य कैसे मिल जाए उसके बढ़ावा के लिए व्यवस्था की जाती है भाई। प्राइवेट में भी श्रम की व्यवस्था करते हैं, प्राइवेट लोग भी नौकरियां देते हैं जो है। किसी का शोषण हो ये जरूर राज्य ध्यान दे कि शोषण न होने पाए, उसके लिए राज्य सरकारें और श्रमिकों के लिए घंटों का वितरण करते हैं, कितने घंटे कार्य करेंगे, ये ड्यूटी होगी, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होगी, उनकी सुख सुविधाओं का पूरी व्यवस्था रहती है, उनके मेडिकल के लिए तमाम योजनाएं लागू की जाती हैं, बीमार होगा तो उसके देखने के लिए डॉक्टर आए होंगे जो है, ठीक है ना। तो अपने यहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है परफेक्ट व्यवस्था है, पूर्णतः समाजवादी नहीं परफेक्ट व्यवस्था है, यही व्यवस्था सफल है, ठीक है ना, सही बात है क्लियर। जी सर, जी ओके जी सर डन। जी।